सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सैमसंग J6 में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 79.18 MB का अपडेट फाइल है, सितंबर 2020 का सिक्योरिटी पैच है। और इस अपडेट में सैमसंग ने बताया डिवाइस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, डिवाइस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, बग्स को फिक्स किया है, कुछ न्यू फीचर्स को इंक्लूड किया है और डिवाइस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। तो आज हम इस अपडेट को इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे कि सैमसंग ने क्या कुछ इस अपडेट में इंक्लूड किया है, क्या कुछ नए फीचर्स को इंक्लूड किया है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 100 लाइक, 100 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पीयूष। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस अपडेट को इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट प्रिपेयर टू अपडेट, तो अपडेट प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये डिवाइस ऑफ हो गया है और अब ये अपडेट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, सैमसंग गैलेक्सी J6 पावर्ड बाय एंड्रॉयड, और ये अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट। तो कुछ ये टाइम लेगा दोस्तों, 5 से 10 मिनट का समय लेगा दोस्तों। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो मिलते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद। अपडेट इंस्टॉल हो रहा है और ये डिवाइस स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। तो इसमें भी कुछ समय लेगा दोस्तों क्योंकि अपडेट इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग का लोगो आ चुका है और ये डिवाइस ऑन हो चुका है और ये अब कुछ टाइम लेगा दोस्तों क्योंकि ये जो फ़ोन है वो अपडेट हो ही रहा है और ऐप्स जो हैं डिवाइस में इंस्टॉल उन सारे ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं तो इसमें भी 2 से 3 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। तो ऑप्टिमाइजिंग हो चुकी है कंप्लीट और ये हो चुका है डिवाइस ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिवाइस ऑन हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये फिनिशिंग हो रहा है अपडेट। यहाँ पे देख सकते हैं फिनिशिंग सॉफ्टवेयर अपडेट। तो मैं आपको सिक्योरिटी पैच लेवल चेक करा देता हूँ। यहाँ पे मैं गया अबाउट फ़ोन में सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन और यहाँ पे दिखा देता हूँ सिक्योरिटी पैच लेवल 1 सितंबर 2020 का, जो कि लेटेस्ट है इस अपडेट में। बाकी और कुछ चेंजेस इस अपडेट में नहीं किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिवाइस हैज़ बीन अपडेटेड, तो अपडेट पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। ऊपर नोटिफिकेशन पैनल पे भी आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस अपडेट में ज़्यादा कुछ तो मुझे चेंजेस नहीं लगे हैं कि मैं इसका फुल रिव्यू वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या कुछ नए फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं इस अपडेट में। 2 से 3 दिनों बाद आपको रिव्यू वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिए, इस अपडेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।